स्वागत है आपका अपने चैनल डी आर स्टडी पॉइंट में। तो आप लोगों को पता है ये चीज़ कि बहुत दिनों से हम लोगों का सीरीज चल रहा है एक सेट का, है ना, या फिर मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, है ना। तो उस सीरीज़ में आपको क्या है, हम आपको अलग अलग चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट वाला क्वेश्चंस होता है, बेनिफिशियल क्वेश्चंस होता है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग लेकर आए इनपुट आउटपुट का एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और देखने के बाद लाइक करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, फेसबुक ग्रुप है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सब में आप क्या करो, शेयर करो। क्योंकि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है बैंकिंग लेवल का प्लेटफॉर्म है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो एकदम एग्ज़ाम के रेलेवेंट है, और आप लोग को बताया जा रहा है, चैप्टर वाइज भी हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो जितना हो सके आप लोग शेयर करो, जितना पॉसिबल हो सके रुको नहीं, बस रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में, या फिर मुझे भी नहीं रुकना है और आपको भी नहीं रुकना है, बस हम लगातार वीडियो प्रोवाइड करते जा रहे हैं और आप लगातार उसका बेनिफिट उठाते चले जाओ, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, देखेंगे कि पहले हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे क्या कि इनपुट आउटपुट का, पिछले वाले वीडियो में इनपुट आउटपुट का कुछ आपका वीडियो भी अपलोडेड होगा। उस वीडियो में क्या था कि मेरा नंबर बेस्ड नया वाला इनपुट आउटपुट था, लेकिन इस वीडियो में क्या है कि हम लोग अल्फ़ाबेट बेस्ड जो है वो आपका इनपुट आउटपुट लेकर आए हैं, जिससे पता चले कि किसका एक और टाइप से आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले जो इनपुट आपका दिया गया है उसको कैसे अरेंज किया गया। हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले में क्या होता है आपका कि पहले जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका पैटर्न देखना होता है, और सेम उसी पैटर्न पे जो आपका नया वाला क्वेश्चंस है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक आपका इनपुट आउटपुट भी उसी प्रकार से कि इनपुट दिया गया है और आउटपुट हम लोगों को देना है वहाँ पर, ठीक है। तो इनपुट दिया क्या गया है पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट में क्या क्या दिया गया है। इनपुट आपका दिया क्या गया है कि टी और वाई है, टी है और आपका वाई, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है बी और ई दिया गया है, ठीक है। तीसरा आपका क्या दिया गया है, आर और जी दिया गया है, ठीक है। और आपका फोर्थ वाला बॉक्स है उसमें आपका नाइन और एट दिया गया, फिर आपका वन और थ्री दिया गया, फिर आपका सिक्स और फोर दिया गया। दिख रहा है क्लियर मेरे हिसाब से, यह आपका इनपुट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया है, ऊपर में आपका एक दो तीन चार पाँच छः आपका बॉक्सेस है, तो नीचे वाले में देखते हैं। नीचे वाले में आपका तीन बॉक्सेस दिया गया, नीचे वाले में कितना बॉक्सेस दिया गया है, तीन बॉक्स दिया गया है। तो तीन बॉक्स दिया गया जिसमें के लिखा गया और क्यू लिखा गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले बॉक्स में क्या लिखा गया, दूसरे वाले बॉक्स में ए और बी लिखा गया है। फिर तीसरे वाले बॉक्स में आपका लिखा गया है एल और सी लिखा गया है, ठीक है। फिर ये तीन बॉक्स के बाद आपका दो बॉक्स वाला सीक्वेंस आता है, दो बॉक्स वाला क्या आता है, सीक्वेंस आता है वन और सेवन, जिसमें आपका नंबरिंग कर दिया, इसमें आपका नंबरिंग कर दिया है, लेटर को रिमूव कर दिया है, ठीक है। फिर आपका इससे नीचे वाले बॉक्स में क्या है, आपका दो बॉक्स बनाया है जिसमें आपका सिंगल नंबर, एक आपका सेवन है और एक आपका क्या है, एटीन दिया गया है। फिर एक आपका नीचे एक और सिंगल बॉक्स है जिसमें आपका के क्या किया गया है, दिया गया। तो ये आपका अरेंजमेंट है। अब इसको क्या करना है, कैसे हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका कि ये फर्स्ट वाला बॉक्स से फर्स्ट वाला बॉक्स रिलेटेड है, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर वाला बॉक्स से फर्स्ट नंबर वाला बॉक्स रिलेटेड है, सेकेंड नंबर अल्फ़ाबेट वाले बॉक्स से आपका सेकेंड नंबर वाला बॉक्स रिलेटेड है, थर्ड वाले से थर्ड वाला बॉक्स रिलेटेड, ऐसे करके दिया गया आपका। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अल्फ़ाबेट के बनाए होंगे सारे में आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सारे क्वेश्चंस में आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको अल्फ़ाबेट में दो चीज़ याद रखना है। पहला क्या है कि पोजिशन ऑफ लेटर, दूसरा आपका है अपोजिट लेटर। मतलब अगर आपको पोजिशन ऑफ लेटर अगर याद है, है ना, पोजिशन ऑफ लेटर अगर आपको याद है और आपको अपोजिट लेटर याद है, तो आपका काम जो है जो भी आपके अल्फ़ाबेट से क्वेश्चंस होगा उसमें आपका 50% काम जो है वो ऐसे ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो देख लिए हैं, अब हो सके इस क्वेश्चंस को
कॉपी अगर पेन अवेलेबल है तो आप लेकर बैठ जाओ, इस क्वेश्चंस को लिखो और बनाओ कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक हम इसको अरेंजमेंट आप लोगों के सामने बता रहे हैं, ठीक है। चलो तो पहला वाला क्या है कि ये पहला वाला का अरेंजमेंट, ये नंबर वाला का अरेंजमेंट, ये पहला वाला आपका आउटपुट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप वन हो जाएगा, ये आपका स्टेप टू हो जाएगा, ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और ये आपका स्टेप हो जाएगा फोर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप वन टू थ्री फोर करके ये क्वेश्चंस में दिया गया है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। जो क्वेश्चंस में दिया गया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे टी का और वाई का और नाइन और एट का दोनों का कुछ प्रोसेस है जिससे आपका के और क्यू निकल कर आया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बी और ई, वन और थ्री का कुछ प्रोसेस है जिससे आपका ए और बी निकल के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आर और जी, सिक्स और फोर का कुछ प्रोसेस है जिससे आपका एल और सी निकल कर आया, ये इतना प्रोसेस है जिससे आपका ये तीनों बॉक्स छः बॉक्सेस के हेल्प से निकल कर आया है। अब क्या है, हमको देखना क्या है कि ये के आया कैसे, ये क्यों आया कैसे। अगर सबसे पहले अगर कुछ भी हमको समझ में नहीं आया, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया कि इसके आगे क्या होने वाला, दिमाग अगर नहीं काम करे या फिर नेटवर्क छोड़े आपका, समझ, नेटवर्क छोड़ने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम्स में जो है ये आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो उसमें नेटवर्क छोड़ने का चांसेस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका नेटवर्क छोड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग इस पे कर लेंगे, ये 20 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो नंबरिंग हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी नंबरिंग है, अब हमको देखना क्या है कि नंबरिंग से नंबरिंग अगर या तो मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं कंफर्म, या तो ऐड कर सकता है या तो आपका सब्ट्रैक्ट कर सकता है, ये दोनों करके ही आपका ये दोनों लाया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि 20 है, अगर 20 में से 9 जाएगा, मतलब 20 में से आपका 9 जाएगा या 20 में से 9 जाएगा, तो 20 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास 11, और हमको पता होना चाहिए कि किंग्स 11 होता है, मतलब के का पोजीशन क्या होता है आपका 11 होता है, तो ये के यहाँ पे ले आया। आया समझ में बात, चलो मेरा पहला वाला बॉक्स का पहला वाला मेरा लेटर फाइंड आउट हो गया। अब देखो 25 वाले को 25 में से अगर 8 घटाएगा तो क्या होने वाला है, 17 होने वाला, और 17 पे क्या आएगा आपका क्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब क्या है कि मेरा पहला वाला फाइंड आउट हो गया कि मेरा पहला वाला स्टेप कैसे निकलेगा, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट नंबर से घटाना है, माइनस करना है, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ, फर्स्ट लेटर आपका फर्स्ट वाले स्टेप में आ रहा है। सेकेंड लेटर फर्स्ट वाले स्टेप में लाने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड लेटर को सेकेंड नंबर से माइनस करेंगे तो मेरा सेकेंड आपका लेटर एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसमें भी हम लोग वही करेंगे, देखो बी का पोजीशन 2 है, अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ई का पोजीशन 5 है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 के जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर का पोजीशन 18 है, जी 7 होता है, तो 18 में से 6 जाएगा तो ये 12 होगा, 12 पे क्या आता है, एल आता है। ये 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो क्या होता है, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 3 पे क्या आता है आपका, सी आता है। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, इसमें तो किसी प्रकार का नेटवर्क छोड़ने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो देखने से लग रहा है टफ है ना, लेकिन क्या होता है कि ये आसान है। देखो कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्या होता है, लगता है क्वेश्चंस में कि मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या फिर नहीं बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जो देखने में बड़ा क्वेश्चंस है वो जल्दी बनेगा, बस आप लोग के पास टाइम होना चाहिए और जो माइंड है वो एक्यूरेट डायरेक्शन, मतलब सही डायरेक्शन में आपका काम करना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। और ये आएगा कैसे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। आप जो चैप्टर पढ़ो या फिर जिस भी फैकल्टी से पढ़ो कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट है तो आप टेस्ट सीरीज कम से कम 2-3 तो लगाया करो दिन में, अगर 2-3 लगाते हो आप टेस्ट सीरीज तो आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये होप छोड़ ही दो कि मेरे को जॉब होगा, ये होगा, वो होगा, कभी कुछ नहीं होने वाला, विदाउट मेहनत का कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाला बन गया। अब देखो दूसरा क्या है कि हम लोग को फर्स्ट से सेकंड स्टेप निकालना, अब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, हमको फर्स्ट से सेकंड निकालना, इनपुट से हम लोगों ने निकाला क्या स्टेप फर्स्ट, ये आपका इनपुट था,
इनपुट था, इनपुट से हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट निकाला, स्टेप फर्स्ट से हम लोग को क्या करना है, स्टेप आपका सेकंड निकालना है। तो स्टेप सेकंड वाले में देखो क्या किया, स्टेप सेकंड वाले में 17 लाया ना, ठीक है 17 लाया है यहाँ पे। तो 17 कैसे लाया, तो यहाँ आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है, यहाँ आपका अल्फ़ाबेट दिया गया और नीचे में आपका नंबर दिया गया। कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग अल्फ़ाबेट को नंबर में एक्सचेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, तब तक नीचे वाला भी नंबर मेरे से नहीं आने वाला है। और हमको पता होना चाहिए कि ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस जो है केवल एक से लेके 26 तक का होता है, होता है ना। तो ये फिर 29 तो आ नहीं सकता है, मतलब कन्फर्म है कहीं ना कहीं से कोई जोड़ गुना होने वाला है और हुआ है, ठीक है। तो के का पोजिशन लिख लेते हैं 11 होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, अच्छे से पता होगा आप लोगों को, ये 12 होता है, और सी का क्या होता है आपका 3 होता है, ये हो जाता है। अब देखो क्या है कि क्या जोड़ने पे मेरा 17 आ रहा है, क्या जोड़ने पे मेरा 29 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। अब देखो क्या कि यहाँ अगर हम जोड़ते हैं 11, 17, 28 और 29 आ रहा है। मेरे को फर्स्ट सिक्वेंस में ही, फर्स्ट ग्लैंस में ही मतलब लगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लगा कि ये मेरा सही होने वाला है। 11, 17 क्या हो जाएगा आपका 28 और एक आपका 29 होने वाला है, मतलब के क्यू और ए के पोजीशन को जोड़कर यहाँ लिख दिया है। हो सकता है कन्फ्यूजन है, तो आगे वाला हम लोग प्रूफ करके ये फर्स्ट वाला बॉक्स का भी निकाल लेते हैं, इससे मेरा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ मेरा क्या है क्वेश्चन में आपका कि 12, 3, 15 और 2 आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो पोजीशन निकला है वो आपका निकला है एल प्लस सी प्लस बी, ये वाले बॉक्स का, और ये वाले बॉक्स का क्या निकला है के प्लस क्यू प्लस ए, ठीक है। मतलब क्या है, ये आपका तीन बॉक्सेस में दो दो लेटर करके अरेंज किया गया है, इस तीनों बॉक्सेस के 6 लेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये पहला वाला पार्ट के क्यू ए और दूसरा वाला पार्ट बी एल सी आपका डिवाइड कर दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या है आपका कि स्टेप टू से मेरा क्या निकालेगा, थर्ड निकालेगा। जैसे कि मेरा स्टेप वन से टू निकाला था, स्टेप टू से आपका क्या कर रहा है थर्ड निकाल रहा है। अब थर्ड कैसे निकालेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो थर्ड मेरा कैसे निकाल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 7 और 18 दिया गया है, 7 और 18 दिया गया है। तो देखना क्या है कि ये दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया होगा, जो नीचे वाला बॉक्स क्या होगा आपका इसका ये 7 और 18 आने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर 7 में 1 जोड़ा जाए तो 8 होगा, 8 तो है नहीं यहाँ पे, 8 है लेकिन बगल में 1 है तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि और दूसरे बॉक्स से आपका इंक्लूड करके या मर्ज करके इसमें कुछ मेंशन किया जाए, ठीक है। तो आपका 7 × 1 करेंगे तो 7 × 1 करेंगे तो 7 होगा, मतलब 7 × 1 करेंगे तो 7 होगा, और आपका 2 × 9 करेंगे तो क्या होने वाला है 2 × 9 करेंगे तो आपका होने वाला है 18। मतलब आपका क्या है कि 7 हो जाएगा, स्टेप सेकंड वाले में आपका गुना किया है दोनों नंबर को, जितने भी एक बॉक्स में जो दो नंबर है उस दोनों नंबर को क्या किया है गुना किया है। अब इस गुना करने के बाद क्या है कि आपका 7 आया है, मतलब 1 × 7 है ना इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, एंड 2 × 9 इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका 18 आने वाला है। अब आप लोग बताना ये 4 स्टेप क्या होगा, ये 4 जो स्टेप है, फोर्थ वाला जो स्टेप है क्या किया गया है इसमें। देखो कुछ नहीं किया गया है, ये आपका K है ना, ये आपका क्या लिखा गया है K, और किंग्स 11 मतलब आपका K का जो वैल्यू है वो कितना होता है, पोजिशन जो है वो कितना होता है आपका 11 होता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या किया, ये 18 माइनस अगर 7 करेगा तो क्या ये आएगा 11 तो आएगा है ना, तो 18 माइनस क्या करेगा 7 करेगा तो आपका 11 आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या किया लास्ट वाले स्टेप में आपका माइनस कर दिया है थर्ड वाले स्टेप में, तो आपका वही स्टेप 4 आपका निकल के आ रहा है। तो ये वाला अरेंजमेंट तो समझ में आया होगा, तो इसके बाद वाला जो अरेंजमेंट है आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ एकदम जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चंस देखो आप लोग और तब देखो कैसे अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट तो पता है हमको, हम लोगों को उसको कैसे अरेंज करना है, बस तुरंत बन जाएगा क्वेश्चंस, और मेरे पास जो 5 क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके आंसर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, यहाँ जो लिखा है ये आपका बॉक्स बनाया है जैसे कि इनपुट दिया गया था, ठीक है। हम लोग इधर लिख लेते हैं
इनपुट, इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट में क्या दिया गया, आर और भी दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। दूसरा दिया गया डी और टी दिया गया, ठीक है, और तीसरा जो दिया गया वह आपका एच और एम दिया गया, ठीक है। फिर आपका फोर्थ दिया गया क्या, नाइन और एट दिया गया, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ क्या दिया गया, वन और एट दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये फोर और सिक्स दिया गया, ठीक, ये आपका दिया गया। अब स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट वाले में क्या किया गया है, स्टेप फर्स्ट वाला में कैसे अरेंज होगा। तो स्टेप फर्स्ट वाला क्या है, हम लोग को पता है ये पहला वाला बॉक्स और ये तीसरा वाला बॉक्स, चौथा वाला बॉक्स जो है निकल के ये आपका फर्स्ट वाला बॉक्स बनेगा इसमें, ठीक है। सेकंड अल्फ़ाबेट वाला, सेकंड नंबर वाला बॉक्स, ये आपका दूसरा बनने वाला है। थर्ड लेटर अल्फ़ाबेट या फिर आपका थर्ड नंबर वाला जो है ये बनने वाला है, तो ये बनेगा। अब इस पे पिछले वाले जो इनपुट था मेरा, उसमें क्या किया गया था आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आपका नंबर ऑफ जो भी आपका पोजीशन है अल्फ़ाबेट का, उसमें क्या किया गया था, नंबर वाले को माइनस कर दिया गया था, ठीक है। नंबर वाले को माइनस कर दिया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबका भी नंबर लिख लेंगे। ये 18 होगा, ये 22 होगा, ये 4 होगा, ये T20 होगा, H8 होगा, M आपका 13 होगा। फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर है, M आपका 13 होने वाला है। अब देखो 18 में से आपका 9 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 9, और 9 के प्लेस पे I होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये 22 में से आपका 8 जाएगा, 22 में से आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 14, 14 पे क्या होने वाला है, N होने वाला है, ठीक। उसी तरीके से ये D है और यहाँ 1 है, मतलब 4 में से 1 गया, इसका तो समझ में आया होगा, ऐसे कर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 4, ये ऐसे, ये आपका H6, ये हो गया। चलो तो 4 को 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 20 में से 8 जाएगा बचेगा 12, 3 पे C आता है, 12 पे L आता है, ठीक है। चलो 8 में से 4 गया, ये 4 बचेगा, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7, 6, 13, ठीक है। तो 4 पे क्या होने वाला है, D होने वाला, और 7 पे आपका क्या होने वाला है, G होने वाला। तो कन्फर्म, ये मेरा कन्फर्म हो गया कि ये मेरा स्टेप फर्स्ट आ गया है। हम लोग क्या करेंगे कि ये स्टेप सेकंड वाला जो है वो हम लोग देखेंगे, तो नंबरिंग भी पता चल गया हम लोग, स्टेप फर्स्ट भी निकल गया, जैसे कि हम लोग निकाले थे पिछले वाले इनपुट में, ठीक है। स्टेप आपका ये आ गया, फिर ये आपका दो बॉक्सेस बनाना था इसमें, है ना, जैसे कि ऊपर दिया गया है। तो सेकंड वाला में क्या किया गया था आपका, सेकंड वाला में आपका देख लेते हैं, सेकंड वाले में जोड़ कर लिखा गया था क्या, सेकंड वाले में जोड़ कर लिखा गया था ये आई प्लस एन प्लस सी, मतलब 9 + 14 + 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो 9 और 3 = 12, ठीक है, 9 और 3 = 12 होगा, और 12 और 14 कितना होने वाला है, 26 होने वाला है। तो पहला थर्ड का लास्ट वाले में लिखा था क्या, 26 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, कि ये पोजीशन जोड़ेगा L का, L 12, ठीक है, L प्लस D प्लस G, L का 12, D का 4, और ये 7 होगा, 12 × 4 = 16, 16 × 7 कितना होता है, 23 होता है। तो ये भी कन्फर्म हो गया मेरा, ठीक है, ये भी मेरा हो गया कि आई एन सी को जोड़ा तो आपका ये 26 लाया। इसको इधर कर देते हैं, ये जो है ये इसका है और ये जो है ये इसका है, ठीक है। तो आ रहा होगा समझ में मेरे हिसाब से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग स्टेप थर्ड वाले में। स्टेप थर्ड में जो क्या है कि दो बॉक्सेस फिर से बनाया है, स्टेप थर्ड में जो है वो दो बॉक्सेस फिर से बनाया है, ठीक है। तो दो बॉक्सेस बनाया है, तो फिर स्टेप थर्ड वाले में क्या किया गया था, स्टेप थर्ड वाले में देखो, स्टेप थर्ड जो मेरा आया था वो क्या किया गया था, मेरा मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। अब हम स्टेप फोर पे आएंगे, स्टेप फोर जो है आपका वो क्या करेगा, स्टेप फोर में आपका सिंगल था ना, और स्टेप फोर के लिए क्या करता था, ये 12 - 6 करेगा, बराबर 6 होगा, और 6 पे क्या आता है आपका,
एफ आता है, तो ये कन्फर्म हो गया कि सिक्स पे आपका क्या आ रहा है, एफ आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला स्टेप जो है वो आपका एफ आ रहा है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, इसमें कहीं से कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा फिर आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, किसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस का क्या लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ द अरेंजमेंट। फाइनल आउटपुट अरेंजमेंट आपका है क्या, एफ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। प्रोडक्ट पूछ रहा है स्टेप थर्ड का, तो 12 6 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का 18 आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला बोला क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स टू डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप टू। मतलब क्या है कि टू डिजिट के बीच में आपका यहाँ पे, मतलब दो नंबर दिया गया उसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 26 में से 23 जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपका क्या है लास्ट, ये चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द पोजिशन ऑफ द लेटर इन स्टेप फर्स्ट। सम ऑफ पोजिशन पूछ रहा है स्टेप फर्स्ट के लेटर का, तो देखो ना यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा, मेरा 49 आने वाला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 49। जोड़ के देख लो, 12 3 15, 15 4 19, 19 7 19 और 7 26, 26 14 40 और 9 49 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्टेप टू इन एंड स्टेप थर्ड। स्टेप टू एंड स्टेप थर्ड का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, स्टेप टू एंड स्टेप थर्ड का डिफरेंस पूछ रहा है। तो दोनों को जोड़ दो, 23 और 26 को जोड़ दो, 26 और 23 को जोड़ोगे तो क्या होने वाला है, 6 3 9 और 2 2 4, और इस दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 12 6 18, तो 18 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 31 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 31 आ जाएगा, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर पॉसिबल हो तो इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे भी बनाने में सही रहे इस टाइप का क्वेश्चंस। हम लोगों ने क्या किया कि अभी आप लोगों को मेथड बताया कैसे बनाया जाता है, कैसे अटेम्प्ट लेंगे, कितना आसानी से अटेम्प्ट लेंगे इसको, और क्या क्या ज़रूरत होता है इसको अटेम्प्ट लेने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ से पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा, कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या पढ़ाएं, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और क्वेश्चंस तो हम लोग एग्ज़ाम्स के रेलेवेंट जो भी हो रहा है मैथ और रीजनिंग का, है ना, उसी से हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग चैप्टर भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर भी आपका आने वाला है, ठीक है, और आएगा नेक्स्ट वाला चैप्टर। आप लोग का सिलॉक्स अपलोड हो चुका है, सिलॉक्स अपलोड हो चुका है, ओनली फ्यू एंड ओनली ए फ्यू वाला जो है सिलॉक्स अपलोड हो चुका है, कंडीशन ऑफ इधर और अपलोड हो चुका है आपका, ठीक है, पॉसिबिलिटी भी। तो आप लोगों को जाकर देखना है क्वेश्चंस में वहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट है, वैसे टाइप का क्वेश्चंस आप लोग ढूंढो, बनाओ, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना। और बिल्कुल मैं एक एक कमेंट जो है वो सही से पढ़ता हूँ, देख के पढ़ता हूँ आप लोगों ने क्या बताया क्या बोला, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।